नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, जीवन में उत्तम सुखों का आनंद ले रहे होंगे। वृषभ राशि, जब भी भगवान की कृपा आप पर होती है तब एक पल भी नहीं लगता है भगवान की कृपा आप तक पहुँचने में, और कृपा होते ही आपका जीवन जो है वो एकदम से बदल जाता है। जीवन में ईश्वर वो खुशियाँ देता है जो हमारी ज़िंदगी की बहुत महत्वपूर्ण खुशियाँ होती हैं और जिनके लिए हम बरसों से प्रयास कर रहे होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ईश्वर भी कुछ भी अच्छा करने से पहले कुछ संकेत देता है, कुछ इशारे देता है, और जो भी महिला पुरुष या बच्चा इन संकेतों को, इन इशारों को समझ लेता है तो वह पहले से अलर्ट हो जाता है इन खुशियों को प्राप्त करने के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी वृषभ राशि वाले पहले से तैयार हो जाएं सितंबर माह में मिलने वाली अनेकों अनेक खुशियों के लिए, अनेकों अनेक सफलताओं के लिए। ये जो सफलताएं हैं किन संकेतों के माध्यम से आपको मिलेगी और यह संकेत कौन कौन से ग्रह बनाएंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये सारा कुछ जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना फलदायी है, यदि आपने इस वक्त का सही तरीके से लाभ उठाया तो निश्चित तौर पर आप जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे या करेंगी। ये वो संकेत हैं जिसमें ईश्वर खुद चाहते हैं कि उनका भक्त सुखी हो जाए। ईश्वर कहते हैं तुम मुझे याद करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हमेशा मार्ग बनाता रहता हूँ, संकेत देता रहता हूँ, अवसर देता रहता हूँ। अब ईश्वर आपके लिए और क्या करें, ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं, ये मौके दे रहे हैं, बस अब आपको ये करना है, इन संकेतों को याद रखना है और इस पर अपने सभी महत्वपूर्ण काम करने हैं, और जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी। एक बार फिर से दयालु कृपालु ईश्वर ने सितंबर माह में आपको दिए हैं सफलता के 5 शुभ संकेत। ये संकेत हैं ईश्वर की कृपा, ये संकेत हैं ईश्वर का आशीर्वाद, और यह जो जानकारी है वह चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित है। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी वाले निशान को नहीं दबाया है तो अभी दबा दें और जुड़ जाएं चैनल के साथ। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा देवगुरु बृहस्पति की तरफ से। जब देवगुरु बृहस्पति आपके मन की हर इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको आशीर्वाद पर आशीर्वाद देंगे और ये आशीर्वाद ही शुभ संकेत है। देव गुरु बृहस्पति धन कारक ग्रह हैं। गुरु का द्वितीय भाव धन भाव में बैठना धन की वर्षा कराएगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएगा, आपकी चली आ रही नौकरी में तरक्की मिलना निश्चित है, नहीं तो आपको नई नौकरी के भी अवसर इस समय में बन जाएंगे। आप पुरानी नौकरी से परेशान हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है पुरानी नौकरी में, तो प्रयास कर सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी बिल्कुल नहीं है, उनके लिए भी खूबसूरत अवसर पैदा करेंगे देव गुरु बृहस्पति। प्रमोशन के अवसर पैदा होंगे, ट्रांसफर के अवसर पैदा होंगे, विवाहित लोगों के लिए जीवन में खुशियां भर देंगे देव गुरु बृहस्पति। घर में नई सुंदर और बहुत ही दिल को खुश कर देने वाली खुशखबरियों का आना जारी रहेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए सदस्य की एंट्री होना, अब पुरुष हैं तो किसी महिला की, महिला हैं तो किसी पुरुष की एंट्री होना उनके मन को मोह लेगा। यानी इस समय अंतराल में जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको अपना जीवन साथी मिल सकता है, जो लोग प्रेम संबंधों की तलाश में हैं उनको उनका प्रेमी या साथी मिल सकता है, जो लोग मित्रता की तलाश में हैं उनको भी एक अच्छा मित्र मिल सकता है। तो जीवन में इसी प्रकार के शुभ संकेत दे रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। आपको गुरु की कृपा से शिक्षा प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पास संपत्ति भी होगी, सेहत भी होगी और बहुत कुछ होगा आपके पास जो मंगलकारी होगा, शुभकारी होगा। आपकी झोलियां भरने वाली हैं और आपके घर में बरकत होगी, जो आप कमाएंगे उससे खुशहाल रहेंगे, उससे संतुष्ट रहेंगे और आपकी कमाई हुई कमाई जो है
वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगी और भविष्य में भी आप दो का चार बनाएंगे, यानी सही जगह पर निवेश कर कर अपने धन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इस महाशुभ संकेत का स्वागत करिए और देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि नारायण विष्णु की उपासना करिए। बृहस्पतिवार का व्रत रखिए, बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करिए, इससे देव गुरु बृहस्पति और प्रसन्न होंगे और ये संकेत और बड़ा बन जाएगा और ज्यादा लाभकारी बन जाएगा। तो पहला संकेत दमदार है, मजेदार है और हमेशा यादगार भी रहेगा। बात करते हैं दूसरे शुभ संकेत की। आपको दूसरा शुभ संकेत देंगे बुध। 10 सितंबर से 28 सितंबर तक बुध त्रिकोण में पंचम भाव में उच्च राशि के होंगे और बुध की घर वापसी भी होगी। आपके लिए बुध सफलता की नई सौगात, नए संकेत लेकर आए हैं, बुध सफलता की वर्षा लेकर आए हैं, तो ये बोलना भी गलत नहीं होगा। आप विद्वान होंगे, आपके अंदर कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता होगी, आप बुरे वक्त को भी बेहतर बना देंगे। बुध इतनी शक्ति बुद्धि आपको देंगे, ये बुध का संकेत है। आपके परिवार में खुशहाली के संकेत आपको प्राप्त होंगे। आप गणित वाणिज्य से जुड़े हुए हैं, शिक्षक हैं, आपके लिए यह समय बहुत सारे शुभ संकेतों से भरा होगा, जहां पर सफलताएं आपके कदमों में होंगी। आपके मन की हर इच्छा को पूरी करेंगे बुध। वैवाहिक जीवन प्रेम संबंधों में खुशियां और सुख प्राप्त कराएंगे बुध। आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, जो कि सब कुछ सकारात्मक होंगे। आप सभी का दिल जीतने वाले महिला पुरुष या बच्चे होंगे। आपकी मीठी बोली दुश्मन को भी मित्र बना लेगी। आपकी मीठी बोली से आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी, या मैं कहूँ 100 गुनी ज्यादा तरक्की करेगा। अच्छे अच्छे ऑर्डर्स मिलने के संकेत मिलेंगे। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिलेंगे। घर परिवार में खुशियों के संकेत मिलेंगे। फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, लेखक हैं, कवि हैं, ज्योतिषी हैं, तो सफलता के अनेक संकेत आपको मिलने वाले हैं। सेहत की तरफ से आपको बढ़िया संकेत मिलेंगे, सेहत बढ़िया रहेगी। अगर मैं कहूँ कि बुध जो है दोनों हाथों से आपकी झोलियाँ भरने वाले हैं शुभ संकेतों से, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। 10 सितंबर से 28 सितंबर के बीच बुध आपको खुश कर देंगे और बुध को और ज़्यादा खुश करने के लिए आप गणेश जी की उपासना करें, उनको 21 दूर्वा चढ़ाएं और प्रार्थना करें, तो ये जो खुशियां हैं ये डबल हो जाएंगी। बात करते हैं तीसरे शुभ संकेत की। तो आपके लिए तीसरा बड़ा महासंकेत और शुभ अति शुभ संकेत जो है वो लेकर आ रहे हैं सूर्य और बुध। जब पंचम भाव में 17 सितंबर से 28 सितंबर तक बुध आदित्य योग बनेगा, बुध अपनी स्वराशि में उच्च के होंगे और यह समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप बहुत ही दूरदर्शी होंगे, आपके फैसले आपके निर्णय बहुत ही सटीक होंगे, आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी। नौकरी व्यापार में लिया गया हर एक फैसला बहुत अच्छा रहेगा, हर एक निर्णय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको पहले से ही संकेत मिल जाएंगे कि क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, कहाँ पर आपको अपनी चीज़ों का निवेश करना चाहिए, कौन व्यक्ति आपके लिए अच्छा है, कौन व्यक्ति आपके लिए बुरा है, कौन व्यक्ति काम का है, कौन व्यक्ति बेकार है, इन सब चीज़ों के संकेत आपको पहले से ही मिल जाएंगे। व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलताओं के संकेत हैं, साथ ही साथ नौकरी में उम्मीद से अधिक सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। ये वक्त निराशा का नहीं आशा का है, मन की इच्छाओं की पूर्ति का है, सपनों की पूर्ति का है। आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप देखेंगे और खुशियां मनाते हुए आप बुध के और सूर्य के इस संकेत का लाभ उठाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया शुभ संकेत है आपके लिए बुध आदित्य योग। आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपके निर्णयों को बहुत सटीक रखेगा, आपसे कोई गलतियां नहीं होंगी और आप जो भी फैसले या जो भी डिसीजंस लेंगे वो बहुत बेहतरीन और बहुत ही लाभकारी पाए जाएंगे आपके आज के दिनों में भी और आगे आने वाले भविष्य में भी। तो आपको बुध को अच्छा करने के लिए, जैसा मैंने कहा, गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, दूर्वा चढ़ानी चाहिए गणेश जी को, और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अपने पिताजी से अपने रिश्तों को बेहतर रखें। सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर
का जो योग का आसन है उसको भी कर सकते हैं। इससे आपका यह संकेत और ज्यादा मजबूत और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने वाला बन जाएगा। आपके लिए चौथा संकेत जो है वो सोने पर सुहागा होगा। चौथा महाशुभ संकेत आपको चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति देंगे। 5 और 6 सितंबर तारीखें याद कर लीजिए। 5 और 6 सितंबर को सप्तम भाव में महान योग गज केश योग का निर्माण होगा। आपकी सफलताएं जो हैं अब आपके जेब में होंगी। आपकी जो सफलताएं हैं आपकी जेब में होंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सफलताएं अब आपसे दूर नहीं जा पाएंगी। आपको बहुत बड़ी सफलताओं के संकेत प्राप्त होंगे। आपको ये संकेत वो सब कुछ देगा जो आपको जीवन में आपने अपने लिए सोचा है। आपको बहुत सुंदर सुंदर शुभ संकेत मिलेंगे। अगर मैं ये कहूं कि आपकी लग्न कुंडली में देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी तरीके से है, तो निश्चित तौर पे इस समय अंतराल में हाथी के वजन के बराबर आपको सुखों की प्राप्ति होगी। हाथी के वजन के बराबर आपको लाभ की प्राप्ति होगी और आपके शरीर में शेर के समान चुस्ती फुर्ती और दिमाग होगा। जैसे शेर जंगल का राजा है, उसी तरीके से आप भी सब जगह पर बढ़िया नेतृत्व करेंगे। आप आगे बढ़ते चलेंगे, दुनिया आपके पीछे रहेगी। आपकी हर बात को दुनिया समझेगी, जानेगी और फिर उसके बाद आपके सभी काम जब सफल होते चले जाएंगे, तो सफल व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, दुनिया सलाम करती है। तो आपको भी मान सम्मान जरूर प्राप्त होगा। देव गुरु बृहस्पति का गज के श्री योग बनाना चंद्रमा के साथ आपके मन मस्तिष्क आपकी बुद्धि को इतना तेज कर देगा कि आपके निर्णय जो हैं वो एकदम परफेक्ट होंगे। आपके निर्णय जो हैं एकदम सही होंगे और आप सफलताओं की उन सीढ़ियों पर भी चढ़ेंगे जिन सीढ़ियों पर शायद अभी तक आप चढ़ने का सपना देख रहे थे। वो सपने भी 5 और 6 सितंबर को पूरे हो सकते हैं। तो अपनी मेहनत की तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए कि इन तारीखों में कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा पाना है। बात करते हैं पांचवें और अंतिम शुभ संकेत की। आपको पांचवा शुभ संकेत देंगे मंगल और चंद्रमा। मंगल कैसे पीछे रह सकते हैं कि आपको कुछ अच्छा फल ना दे? तो मंगल और चंद्रमा 28 और 29 सितंबर को महालक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे पंचम भाव में। महालक्ष्मी योग बनने का अर्थ है आपके अंदर साहस का होना, मनोबल हमेशा आपका ऊपर रहना, यानी कि आपका मनोबल इतना ऊपर रहेगा, आप इतने महत्वाकांक्षी होंगे कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सफलताओं के जो संकेत आपको मंगल और चंद्रमा मिलकर देंगे, आप उन पर बल बुद्धि के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे और सफलता पाते चले जाएंगे। आपके अंदर धैर्य होगा, आपके अंदर साहस होगा, आपके अंदर तेजी भी होगी। आपको पता है कि किस क्षण में मुझे किस प्रकार का वर्ताव करना है, ये समझ भी आपके अंदर होगी। आपका दिमाग जो है वो नियंत्रित होगा। आप तन मन धन से शक्तिशाली होंगे। आपका मन एक जगह पर टिकेगा और जिसका मन एक जगह पर टिक गया तो फिर उसने अपने लक्ष्य को तो निश्चित तौर पर प्राप्त कर ही लेना है। छात्रों के लिए यह समय बहुत ही बेहतरीन होगा। आप अपनी मेहनत से, अपनी शक्तियों से, जो आपकी इंद्रियां हैं, जो आपके अंदर की शक्तियां हैं, उससे शिक्षा का धन प्राप्त करेंगे और जो लोग नौकरी व्यवसाय कर रहे हैं वो द्रव्य प्राप्त करेंगे। द्रव्य का अर्थ हुआ पैसा प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया समय है आपके लिए। कुछ सावधानियां यहाँ पर रखनी होंगी। आपको क्रोध से बचना होगा, आपको सही गलत का फर्क समझना होगा। वैसे तो आप सही गलत का फर्क समझेंगे, लेकिन अधिक सफलता और जोश कई बार हमें थोड़ा सा कमजोर कर देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत उतावलापन नहीं दिखाना है, क्रोध नहीं करना है। आपको सही गलत का फर्क समझना है और जिद से बचना है। जिद नहीं करनी है, जो जैसे हो रहा है उसको होने दीजिए। सफलताओं के जो संकेत मिल रहे हैं उन पे चलते चले जाइए। ऐसा मत सोचिए कि मैं इन संकेतों को पार करके और बहुत कुछ पा लूं, ऐसा मत सोचिएगा। जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं सफलता की, वैसे चढ़ते जाइए। एक साथ 4 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश ना करें तो बेहतर रहेगा। यदि आप सीधे रास्ते चले,
आपकी नजरें जो हैं अपने लक्ष्य पर टिकी रहीं और सीधा रास्ता आपने पकड़ा और ईश्वर में पूरा विश्वास दिखाया, तो चंद्रमा और मंगल का धन योग, महालक्ष्मी योग आपको बहुत ज्यादा मालामाल, धनवान, महाबुद्धिमान अवश्य बनाएगा। तो लाभ उठाइए इस महालक्ष्मी योग का, धन योग का। और ये अद्भुत तारीखें हैं 28 और 29 तारीख, जो आपको बहुत कुछ देकर जाएंगी, बहुत ही अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। इन 2 दिनों की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए कि आपको इन 2 दिनों में क्या कुछ पाना है। तो ये थे 5 संकेत जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। ये थे वो 5 संकेत जिन पर आप चलकर बहुत कुछ पा सकते हैं। ये थे वो 5 संकेत जो आपके लिए शुभ अवसर, शुभ मौके, सब कुछ बनाएंगे। प्रयास आपको करना है। अगर इन शुभ मौकों, इन शुभ संकेतों में भी आप कुछ नहीं पा पा रहे हैं, तो उसका कारण होगा या तो आपका आलस, या फिर आपके गलत प्रयास, या फिर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियों का सही नहीं होना। तो आपको मेहनत करनी है, प्रयास करने हैं। और कुंडली में यदि ग्रहों की स्थिति खराब है, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और मैं ज्योतिष के माध्यम से आपके ग्रहों की जो बिगड़ी हुई चाल है उसको सीधा करके आपके जीवन में ये संकेत बारंबार आए ऐसे उपाय बताऊंगा, ऐसी तरीके बताऊंगा कि आपको खुशियां हर हाल में प्राप्त होंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे या चली जाएंगी। तो जल्दी से दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और अपने जीवन में एक नई मुकाम को पाने के लिए पहला कदम उठा लें। हरिओम, नमस्कार।